ग्रीटिंग्स। अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना यानी कि पौधों को बहुत ज़्यादा संभालने का महीना। इस महीने में हमको दो चीज़ों पे खास ध्यान देना है। एक है गार्डन एरिया में जो लॉन है उसको हमको उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और दूसरा है हम हमारे पौधों को गर्मी से कैसे बचाएं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग लॉन एरिया में मशीन चला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा हम लॉन को काट लेंगे, उसके बाद उसमें काम खाद और उसके अलावा लिम्बोडिका खोर, दिवेलिका खोर और थोड़ा सा फॉरेट मिला के पूरे लॉन एरिया में बिछा देंगे, और उसके बाद उसको पाटिया मार के लेवल कर देंगे। ये राइट टाइम है जब आप अपने लॉन एरिया को रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। वापस मैं बताती हूँ प्रपोर्शन। अगर दो बोरा काप ले रहे हो तो एक बोरा वर्मी कंपोस्ट लीजिए और उसमें एक केजी लिम्बोडिका खोर, एक केजी दिवेलिका खोर और 250 ग्राम जितना फॉरेट मिला लीजिए। ये प्रपोर्शन के हिसाब से आप अपना एरिया देख लीजिए, बनाइए और अपने माली से बोल के ये करवा लीजिए। ये करवाने के बाद गहरा पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पौधों को कैसे संभालेंगे। पौधों को दो तरीक़ों से संभालना पड़ेगा। एक, उनको टाइम से पानी देना पड़ेगा। जब समर होता है यानी कि स्पेसिफिकली अप्रैल और मई का महीना होता है तब पौधों को दो बार पानी देना पड़ता है। एक, आप कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले आप दे दें और दूसरा सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय से पहले जो आप पानी देते हैं वो गहरा दीजिए, और शाम को जो आप पानी देते हैं वो पानी वहाँ पर दीजिए जहाँ पर आपको ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है। ज़्यादा कीचड़ करिए भी मत और ड्राइनेस बिल्कुल ही ना दे होने दीजिए। इसका एक प्रपोर्शन बनाए रखना स्पेसिफिकली समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हमें पौधों की ज़मीन को बंद कर देना पड़ेगा। मल्चिंग, यस, मल्चिंग तीन तरह से होती है। एक, हम सूखे पत्ते जो है उसको क्रश करके क्यारे में भर दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपका ज़्यादा पौधे कंटेनर्स में है यानी कि गमले में है तो आप कोकोपिट का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर राइस हल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप सूखे पत्ते डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको चेक करना कि उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है, वरना वो सूखे पत्ते आपके पेड़ पौधों को नुकसान भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको देखते रहिएगा या जब डाल रहे हैं तो थोड़ा सा एक चेक करके फिर डालिएगा। सो हैप्पी अप्रैल, अपने पौधों को संभालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करना ना भूलिएगा, पानी अच्छे से दीजिएगा और पूरी तरह से उनको मल्च कर दीजिएगा। थैंक यू।